अर्जुन उत्तम पुरुष है, तो अन्य है वो वास्तविक परमात्मा जो सर्वश्रेष्ठ प्रभु, तो इन दोनों से सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष जो 16वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के गीता जी में, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में जिन दो पुरुषों के विषय में, प्रभुओं के विषय में कहा है सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, इनसे कोई और है उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुषोत्तम यानी अच्छी आत्मा, अच्छा भगवान, श्रेष्ठ प्रभु जिसको परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तर्रम आविश्य विभर्ति अवे ईश्वर है। जो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है वो सर्वपुरुष अक्षर पुरुष से अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है और ऑल कंट्रोलर है, कुल का मालिक है, और वही परमात्मा कहलाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी परमेश्वर है। अब जड़ जो है मूल है, मूल से सभी पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है, वृक्ष की परवरिश होती है। परमेश्वर ने फिर क्या बताया है कबीर देव जी ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार यानी सभी प्राणियों का संसार रूपी वृक्ष जो बताया परमात्मा ने, तना जो तुरंत बाहर दिखाई देता जमीन से वो तना अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं, और एक मोटी डार निकलती है तने से आगे चल के, उसको समझो ये सर्व पुरुष है, ज्योति निरंजन भी बोलते हैं इसको, जिसको ब्रह्म कहा जाता है। ये डार है, डार के फिर तीन शाखा हैं, इसके पुत्र हैं काल के, ब्रह्म के, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और फिर पात रूप संसार, हम फिर पात रूप में हैं। तो इन सभी को कहाँ से आहार मिलता है, मूल से, वृक्ष के पत्तों तक भी कहाँ से प्रवेश होती है, जड़ से, मूल से। तो वो मूल रूपी परमात्मा ऊपर है, प्रोक्ष है और वो गुप्त है, वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही सबकी परवरिश करता है। अपुण आत्माओं, पहले तो हम ग्रंथों से परमात्मा को समझें, फिर हमारे सामने ये समस्या आएगी, फिर वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है, कब उसने ये लीला की है, कैसी। जैसे जितने भी अभी मंत्र आपको वेदों के बताए, इनमें इनकी व्याख्या की जा रही है, इनमें परमात्मा की महिमा है। तो फिर वो कौन है जिसको कबीर देव वेद बताते हैं और अल्लाहु अकबर पुराण बताती है, और जिसने 6 दिन में सृष्टि की, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो कौन है वो परमात्मा जिसका नाम कबीर है, उसका प्रमाण कहाँ है, किसने देखा है। तो ये सभी कंसेप्ट जब हमारे क्लियर हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे, तब हम भक्त बनेंगे, हम योग को प्राप्त होंगे, तब हमारी भक्ति स्टार्ट होएगी, जुड़ेगी, निर्भय होकर, निश्चिंत होकर हम भक्ति मार्ग पर चल पड़ेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्मा पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, तेरी भक्ति सही स्टार्ट होएगी, जुड़ेगी, तो सही सच्ची लगन से लगेगा, तब तू योग को यानी साधना तुझे प्राप्त होगी, जब तू उस पर टिक सकेगा। अब वो परमात्मा अपनी महिमा आप ही बताने आए थे। परमेश्वर अनेक रूप धारण करता है, एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि बोचोले धार है। आम सिद्ध पुरुष परमात्मा की भक्ति करके और कुछ सिद्धियां ग्रहण कर लेते हैं, अस्थाई चुंबक बन जाते हैं, चुंबक के साथ लोहा अगर कुछ देर तक रख दिया जाए तो वो अस्थाई चुंबक बन जाता है,
लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी वह चुंबकीय शक्ति ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है जो उसने चुंबक से ग्रहण की थी। तो ऐसे जो सिद्ध पुरुष भी परमात्मा की भक्ति कुछ बैटरी चार्ज कर लेते हैं फिर वो भी सिद्धियां दिखा देते हैं एक से अनेक होने की, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी वो सिद्धि समाप्त हो जाती है और वो अंत में यही प्राणी के प्राणी रहते हैं। और यही सिद्धि परमात्मा में भी है। तो वो परमात्मा सतलोक में एक स्थान पर स्थिर है, सचखंड में, सतलोक में, और एक से अनेक लोकों में भी है, यानी ऊपर अलख लोक में, फिर अगम लोक में, अनामी लोक में, वहाँ भी परमात्मा अन्य रूप धारण करके अन्य शरीरों में विद्यमान है, लेकिन वो परमात्मा एक ही है, अनेक होकर भी वो एक ही है। अब जैसे कई बार एक मंत्री के पास तीन चार विभाग हो जाते हैं, जब वो परिवहन मंत्रालय में जाता है तो परिवहन मंत्री अपना पोस्ट लिखता है, और उसी के पास मान लीजिए पर्यटक मंत्रालय है तो वहाँ पर्यटक मंत्री होता है, गृह मंत्रालय भी उसके पास है तो वहाँ जब साइन करता है वो गृह मंत्री के साइन करता, गृह मंत्रालय मंत्री लिखता है अपनी पद पोस्ट। व्यक्ति एक ही होता है, अन्य स्थानों पर अनेक विभागों में उसकी जो है पदवी का नाम बदल जाता है, समझने के लिए काफ़ी है। तो कहने का भाव यह है कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 1 में दो बार गवाही दी, उसमें कहा कि वो परमेश्वर सह शरीर है, अग्ने तनुरसी, हे परमेश्वर आप तेजो में शरीर युक्त हैं, आपका शरीर है। और फिर क्या बताते हैं कि वो परमात्मा एक रूप में तो वहाँ स्थिर है सचखंड सतलोक में, फिर वहाँ से अन्य रूप धारण करके भद्रा वस्त्रा समन्य महान कबीर निवचनानी संसन, वो कबीर परमेश्वर, वो महान कबीर, वो समर्थ कबीर देव अन्य भद्रा वस्त्रा यानी अन्य वस्त्र बहुत सुंदर अन्य कोई शरीर धारण करके और सतलोक से चलकर यहाँ अपने महिमा की वाणी निवचनानी माने लोकोक्तियों के माध्यम से बोलने के लिए आता है, और उसमें अज्ञान अंधकार फैलाया हुआ होता है और पुण्य आत्माओं को जगाता है। तो वो परमात्मा अन्य रूप धारण करके यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 में दो बार कहा है अग्ने तनुरसी, परमेश्वर आप सह शरीर हैं, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, सतलोक से चलकर धारण पोषण करने के उद्देश्य से हम सभी की परवरिश करने के लिए हमारे को पुनः यथार्थ ज्ञान से पर जोड़कर हमारी आत्मा को यथार्थ ज्ञान से सत भक्ति से तृप्त करने के लिए वो परमेश्वर सतलोक से सचखंड से उस धूलोक से जहाँ वो रहता है वहाँ से चलकर आता है, इसलिए उसका हल्का तेज पुंज शरीर होता है, वो अपने रूप को सरल करके आता है, वहाँ जो सरल रूप है परमात्मा का सचखंड में सतलोक में सतपुरुष रूप में अविनाशी परमेश्वर के रूप में तो उस कबीर देव के एक रोम कूप की इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोम कूप की रोशनी उनसे अधिक रहे। तो वो अगर परमात्मा इतना तेजो में शरीर सहित यहाँ आ जावे तो हम सभी मनुष्यों की आंखें बंद हो जावें, इतने नूर को ये चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। उसको संत जन जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, ज्ञान दृष्टि जिनकी खुल जाती है, उस दिव्य दृष्टि से वो परमात्मा देखा जाता है, और जिन महापुरुषों ने स्वयं देखा है साक्षात्कार किया है उन्होंने वर्णन किया है।
तो इसलिए वो परमात्मा अपने रूप को सरल करके वो कबीर देव ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 27 में यही प्रमाण दिया है, और 26 में, 26 और 27 दोनों में यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विद्यमान है, वहाँ विराजमान है, वहाँ रहता है, और वहाँ से फिर वो गति करके आता है, अपनी श्रेष्ठ आत्मा अच्छी आत्मा को मिलता है, और वो अपने रूप को सरल करता हुआ अलका तेज पुंज का रूप बना के यहाँ आता है। और जैसे आकाशीय बिजली गिरती है अपने गिरने वाले जिस पर उसका अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, उसी पदार्थ पर, उसी धातु पर गिरती है, जैसे पहले कांसी धातु के थाली बेले हुआ करते, तो उन पर अमूमन आकाशीय बिजली कांसी धातु पर गिरती थी यदि वो डायरेक्ट कनेक्शन में हो। तो इस प्रकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म उन अच्छी आत्माओं पर आकर्षित होकर उनको मिलता है, सतलोक से गति करके बहुत विद्युत जितनी से भी तेज गति से वो आता है, और उन उस पुण्य आत्मा अच्छी आत्मा को मिलता है, और फिर उनको ज्ञान से परिपूर्ण करता है। तो उसके लिए विष्णु वेतवा सोमस्य तनुरसी, जो परमात्मा अचानक आता है उसको अतिथि बोलते हैं। जैसे किसी के आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो उसको अतिथि बोलते हैं कि अतिथि आ गया, तो ऐसे परमात्मा अचानक आते हैं, जब अतिथि रूप में यहाँ आते हैं तो उस अतिथि रूप में आने के लिए उस परमेश्वर का एक रूप और शरीर है। विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, सबका धारण पोषण करने के लिए, विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, और तनो मीन शरीर, असी माने है। और वो परमात्मा यहाँ कुछ समय के लिए अतिथि रूप में रुकता है, और जैसे अतिथि आता है ऐसे ही वो परमात्मा फिर सह शरीर चला जाता है। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 1 आपको स्पष्ट कर रहा है। और वो अतिथि रूप में प्रकट परमात्मा ही सबको पूज्य होता है, वो गुरु रूप सतगुरु रूप में कार्य करता है, उसी को परमात्मा तुल मानकर, वो होता ही वह भगवान है और उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए, वो पूज्य होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर अंगारी असी बम्भारी असी सवर ज्योति रितधामा असी, वो सतलोक में रहता है, सतधाम युक्त है, सतधाम वाला है, और वो सब पापों का नाश करने वाला है। बम्भारी माने बम्ब माने बंधन, अरी माने शत्रु, बंधनों का शत्रु, बंदी छोड़, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं, वो बंदी छोड़ है। पुण्यात्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में स्पष्ट किया है, और इन्हीं संस्कृत के जानने वाले विद्वान कहलाने वालों द्वारा अनुवादित है आर्य समाज की, आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा प्रकाशित वेदों में उन्हीं के द्वारा अनुवाद है। अगर ये दास अनुवाद करे तो वेदों का बहुत अच्छा प्रारूप सामने आएगा, वो भी समय आएगा मालिका, लेकिन अब वर्तमान में यदि ये दास अनुवाद करके समाज को ये वेद दे दे तो ये नकली विद्वान जो इन महर्षियों दानंद जैसे नकली महर्षि के भ्रमित किए हुए इस अज्ञान के आधार से कहेंगे रामपाल को संस्कृत नहीं आती, ये वेदों का क्या अनुवाद कर सकता है, ये सब झूठ बोलता है। ऐसे ही कबीर परमेश्वर को कहा करते थे कि कबीर क्या जाने वेदों और ग्रंथों के बारे में, पुराणों के बारे में, गीता जी के बारे में, ये झूठ बोलता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की आलोचना करता है,
ये अपने आप को भगवान कहता है। तो उनका दाव इसीलिए लग गया वहाँ उस समय 600 वर्ष पहले, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे।